पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी मनोज यादव जी, लिस्ट पर लिस्ट आ रही है, इंतजार की घड़ियां क्या खत्म हो गई हैं? घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही है, तो राहुल गांधी का क्या टाइम अप हो गया है? और मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने वाराणसी के बारे में जो कहा कि वाराणसी में यूपी का भविष्य शराब पीकर सड़कों पर लेट लेट कर डांस कर रहा है, आपको भी लगता है यूपी का भविष्य ऐसे ही वाराणसी में है शराब पीकर लेटा हुआ? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की, थोड़ी मर्यादा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल नाविका जी, आपको नमस्कार, आपके पैनलिस्ट साथियों को जितने हैं सबको मेरा नमस्कार, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार जो मुझे फिर से बर्दाश्त करेंगे और सुनेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए बड़े वाजिब सवाल आपने पूछ लिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लिस्टों का आखिर क्या मायने है। जुम करो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल है ही नहीं है जो समाजवादी पार्टी की तरह इस वक्त सीटों का बंटवारा करके अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रहा। बात तो सही है। वेर इज एनडीए, कहाँ है एनडीए? एनडीए के प्रत्याशी कहाँ है? ये गड़बड़ है बाबा। क्या पैसे का बंटवारा कर रहे हैं क्या, निषाद जी, राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी, या अब आरएलडी वाले जी, जितने लोग हैं क्या पैसे बांट रहे हैं, किससे कौन सा सीट कितने में बेचना है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस वजह से अब तक बंटवारा सीटों का या प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई, कर देना चाहिए था। इसमें तो नरेंद्र मोदी जी को अग्रिम पंक्ति में आके ये काम करना चाहिए, क्योंकि उनका बिग फेस है, बिग पार्टी है, बिग योजनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद इतने बिग हैं कि सब कुछ स्मॉल ही स्मॉल दिख रहा है पूरी दुनिया में। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म करो। तो कम से कम उनको नहीं डरना चाहिए, पता नहीं किस बात का डर है। अब आपने बात कही कि राहुल गांधी जी आखिर जो बनारस के परिदृश्य को दिखाया, तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ बनारस की बात करी, मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूँ। जुम करो। क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश, और खासकर उत्तर भारत में बीजेपी ने नौजवानों को अराजक बना दिया। दारू पीना, डांस करना, सड़क पर लौटना, ये तो एक बात है। मजा आया। आर। वो तो किसी के साथ भी लिंचिंग कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी महिला को, किसी छात्रा को, किसी नौजवान को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को। आप आए दिन वीडियो देखती हैं नाविका जी की, वो उनको मार रहे हैं, किसी को टॉयलेट किसी के ऊपर कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश की पिक्चर याद होगी, ये वही तो भाजपा है ना। कहीं पे जूता चटवा रहे हैं, कहीं पे किसी को मोच रखने पे उसकी मोच बनवा दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और कहीं किसी दलित को घोड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं। यही तो अचीवमेंट है बीजेपी का। समझ रहे हो आप? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आपने आप बहुत जनरल सी बात कर रहे हैं, ऐसे एक आधे इंसिडेंट आप कहीं से उठाकर उनको जनरलाइज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन और वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानती हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर क्राइम कहीं भी होता है उसके लिए आप मोदी को ठहरा देंगे रिस्पॉन्सिबल, तो ये आपकी मंशा हो सकती है। लेकिन सवाल जो है वो है राहुल गांधी। चुप साली, बकवास करती हराम खोर, चीर के रखूंगा। वाराणसी राम मंदिर में अडानी अंबानी बाकी कोई नहीं, इन दोनों पर तो कुछ बोलिए, आपका स्टैंड क्या है? क्या गलती सिर्फ वाराणसी और अयोध्या में और राम मंदिर में ही नजर आती है? अभी बदत है। सीधा जवाब ये है कि बीजेपी धर्म की आस्था की अफीम को जनता को चटा के इस देश को कर्ज में डाल के 205 लाख। सवाल कांग्रेस पर। बिल्कुल चुप। यही नहीं, अभी और सुनिए मनोज यादव जी, ये ओबीसी का सवाल एक शिव प्रसाद यादव जर्नलिस्ट से पूछा,
मैं पूछना चाहती हूँ, शिव प्रसाद यादव को वहां पर इस तरह से लोगों के बीच में घेरना, उनके ऊपर तंज कसना, ये क्या सही है? और कौन पूछ रहा है ये सवाल? जनेऊधारी ब्राह्मण, वो बताएगा कि ओबीसी के साथ क्या हो रहा है? ये सवाल भी तो सोचने वाला है कि आजकल हम जाकर सड़क पर लोगों से नमस्ते नहीं कहेंगे, पूछेंगे भाई कौन जात से हो। अभी आपने कहा कि क्यों राहुल गांधी इस बात को कहते हैं, तू कौन है, किस जाति का है, बताओ ये वो, क्यों ना पूछा जाए? 10 साल से तो हिंदू हिंदू पूछा जा रहा है ना, ट्रेन में, बस में, सड़क पे, गली में, मोहल्ले में, नारे में, हर जगह यही तो पूछा जा रहा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, हिंदू है कि मुस्लिम है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।